नीचे मछलियां ऊपर बिजली उत्पादन, जाने कहां बन रहा बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर ग्रिड। दरभंगा में तालाब के ऊपर बनने वाला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की क्षमता 1.72 मेगावाट होगी। नगर विधायक संजय सरावगी ने बताया कि इस सौर बिजली उत्पादन केंद्र में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा की लागत लगेगा। जीआरपी ने दरभंगा जंक्शन पर पार्सल ब्लास्ट मामले से संबंधित सभी कागजात सौंपे। दरभंगा जंक्शन पार्सल ब्लास्ट मामले को लेकर दरभंगा जीआरपी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को ब्लास्ट से संबंधित तमाम जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सभी दस्तावेज और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट एनआईए को सौंपने के बाद भी रेल पुलिस खास चौकस है। मुजफ्फरपुर के रेल पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार दर्शन ने इस बात को पूछे जाने पर बताया कि 25 जून को एनआईए की 3 सदस्य टीम ने दरभंगा जंक्शन पर पहुंचकर दरभंगा जीआरपी से ब्लास्ट से संबंधित जानकारी ली है। टीम को तमाम जानकारी व साक्ष्य मुहैया करा दिए गए हैं। इधर घटना के बाद जंक्शन पर लगातार चौकसी बरती जा रही है। बता दें कि 17 जून को 2021 सुबह में चर्चित दरभंगा जंक्शन पर कपड़े की गांठ में रखी छोटी सी से में हुई ब्लास्ट की जांच के लिए शुक्रवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम दरभंगा पहुंची थी। किसानों के लिए बर्बादी का सबब बना आंध्रा। पहले आंध्रा की बारिश किसानों के लिए उम्मीद की सौगात लेकर आती थी, पर इस वर्ष तो यह बर्बादी लेकर आई है। प्रखंड क्षेत्र में शनिवार से हो रही आंध्रा नक्षत्र की बारिश की दर्दे बयां करते करते जाले दक्षिणी के प्रत्येकशील किसान सह पूर्ण मुखिया प्रेम कुमार धीर भावुक हो जाते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने बड़ी उम्मीद से 10 एकड़ में धान की खेती के लिए विभिन्न प्रभेदों की नर्सरी लगवाई थी। पूर्ण वर्ष नक्षत्र की बारिश से वे धान की नर्सरी बचाने के लिए जहोजहद कर रहे थे कि आंध्रा की बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कीचड़ भरी सड़क पर धान रोककर जताया विरोध। देवड़ा बंधोली पंचायत के वार्ड संख्या 2 स्थित जामा मस्जिद होते हुए देवड़ा बंधोली स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क की जर्जरता एवं उसकी उपेक्षा से अजीज ग्रामीणों ने सरकारी तंत्र और नुमाइंदों तक अपनी परेशानी और उसके निदान के लिए अपनी आवाज पहुंचाने के उद्देश्य से रविवार को सैफुद्दीन गोहार के नेतृत्व में सड़क पर धान की रोपण की। सैफुद्दीन गोहार, रियाज हुसैन आदि ग्रामीणों का कहना था कि जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से इस सड़क पर सालों भर पानी जमा रहता है। सड़क में कई जगहों पर गड्ढे होने के कारण लोगों को इस सड़क पर चलना दुष्टवार हो चला है। वर्तमान में बरसात के कारण सड़क के गड्ढे में पानी भर जाने से सड़क के किनारे रहने वाले लोगों के साथ देवड़ा बंधोली रेलवे हॉल्ट और कामतौल योग्यारा सड़क पर आने वाले आम राहगीरों को बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ती है। सैफुद्दीन गुहार कहते हैं कि आए दिन उत्त सड़क में दुर्घटना आम बात हो गई है, खास करके रात के समय इस सड़क से गुजरने मौत के गले लगाने जैसा बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि उपेक्षा एवं दुर्दशा झेलते झेलते अब यह सड़क खेत जैसा बन गई है, इसलिए हम ग्रामीणों ने जवाबदेहों का धन्य आकर्षण करने के लिए आज धान रोपण का विरोध जताया है। इकदार वासितपुर घाट पर बना चचरी पुल बहा। लगातार हो रही बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कामतौल अधवारा समूह की धौंस नदी के जलस्तर में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। गत वर्ष की तरह इस बार भी टेकरा वाजिदपुर घाट नदी घाट पर बना चचरी पुल बह गया। यह चचरी करीब एक दर्जन से अधिक गांव के लोगों के लिए टिकटार बाजार से जोड़ने वाली जीवन रेखा मानी जाती है। इसके बह जाने से कोठिया, विशम्भरपुर, कुसुमपट्टी, बहुआरा, मगरथू, पचम्मा, मगदा, भतौरा, तिरमुहान, सिंगिया सहित मधुबनी तथा दरभंगा जिले के कई गांवों के संपर्क टिकटार बाजार से भंग हो गया है। अब एक दूसरे गांव पहुंचने में जो पहले 10 से 20 मिनट लगते थे, अब यह रास्ता तय करने में लोगों को घंटों समय बर्बाद हो जाते हैं। दरअसल बरसात में प्रत्येक वर्ष यह क्षेत्र पूरी तरह बाढ़ से ग्रसित रहता है। बाढ़ के कारण लोगों का आवागमन बिल्कुल ठप हो जाता है। स्थानीय सामा देवी, गीता देवी दुलारे, शंभू यादव, मनीष शाह आदि लोगों का कहना है कि वर्तमान विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन शाह द्वारा यह पुल पास करवाया गया है, एक नाव की जरूरत है। लोगों ने प्रशासन की ओर से एक नाव मुहैया कराने की मांग की है ताकि लोगों को आवागमन सुचारू हो सके। वीडियो को लाइक कर दे, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए न्यूज वीडियो लाते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि सुबह सुबह सबसे पहले न्यूज आप देख सके। गड्ढे में ट्रक फंसने से जाम हुई सड़क। जाले शंकर चौक पर नाला निर्माण के लिए छोड़े गए सड़क पर गड्ढा हो जाने की वजह से उसमें एक ट्रक का चक्का फंस गया। इस वजह से शंकर चौक पर कई घंटे तक सड़क जाम की स्थिति बनी रही है। वहां से निकलने के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ी है। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक को गड्ढे से निकाला जा सका, इसके बाद यातायात सुचारू रूप से चालू हुआ। एमडीएम का खाता 30 तक बंद होगा। शिक्षा भवन लहरिया सराय में एमडीएम योजना के प्रखंड साधन सेवियों की बैठक डीपीओ माध्याह भोजन संजय कुमार देव कन्हैया की अध्यक्षता में हुई।
एमडीएम निदेशालय के निर्देश के आलोक में जिले के सभी प्रारंभिक विद्यालय में संचालित माध्यान्ह भोजन का बैंक खाता इस माह की 30 तक बंद कर प्रत्येक विद्यालय को खाता बंद करने का प्रमाण पत्र बैंक से प्राप्त कर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना है। इसके अलावा बैंक में विभिन्न मदों की जमा राशि जिले के खाते में अतिरिक्त कर देनी है, क्योंकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राशि विमुक्ति एवं उसके व्यय की प्रक्रिया का पूर्ण निर्धारण का क्रिया नवीन 1 जुलाई से नवीन प्रक्रिया प्रारंभ हो जानी है। इसलिए खाता बंद करने की संपूर्ण प्रक्रिया 30 जून तक पूर्ण कर लेनी है। अब राज्य के प्रत्येक स्तर पर यानी राज्य के विद्यालय स्तर तक के लिए एक बैंक खाता संचालित होगा और प्रत्येक स्तर पर जीरो बैलेंस डिबेंचरी बैंक अकाउंट होगा जो PFMS पोर्टल पर मैडअप हो। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।